तस्वीरें आप राधा स्वामी सत्संग ब्यास से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो से मुलाकात की। और डेरा ब्यास से हमारी संवाददाता सहयोगी आकांक्षा सक्सेना हमारे साथ जुड़ रही हैं। आकांक्षा, किस तरह से महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का अमृतसर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास का दौरा? प्रधानमंत्री ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लो से भी मुलाकात की है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास की स्थापना जो है वो 1891 में हुई थी। और यहाँ पे जो राधा स्वामी सत्संग का जो डेरा है, इसको बाबा जयमल सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये अमृतसर शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर ब्यास शहर में स्थित है। जी और देश भर में, खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के अनुयायी जो है यहाँ पर ज्यादा आते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं और सत्संग अटेंड करते हैं। ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो जी डेली जो है सत्संग कराती है। तो आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुरिंदर सिंह ढिल्लो जो यहाँ बाबा यहाँ के प्रमुख हैं, जी इनसे मिलने आए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ निखिल, कि फरवरी में भी इसी साल प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए जो है बताया था कि उनको यहाँ आके बहुत अच्छा लगा था। और आज वो फिर दोबारा से इसी जगह का दौरा करने आए हैं। वो बाबा से मिलेंगे और बाबा से मिलने के बाद जो यहाँ 3 लंगर भवन है जी उनका उनका भी दौरा करेंगे। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये लंगर जो यहाँ पे बनता है, यहाँ पर 1,50,000 लोग जो है खाना खा सकते हैं। लाखों की तादाद में यहाँ लोग सत्संग अटेंड करने आते हैं। और ये परिसर जो है काफी लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा है और जी बहुत साफ सुथरा है। सारे लोग जो यहाँ पर सेवा करते हैं आके, इतनी अच्छी तरीके से खाना बनता है, सफाई से खाना बनता है, बड़े बड़े बॉयलर हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ फेलिसिटेट किया जा सकता है। और इनको कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ ही इन हाउस होता है। जी और इतना बड़ा जो ये परिसर है और इतना लोगों के अंदर इनका जो विश्वास है बाबा के ऊपर, शायद इसीलिए ही जो है बार बार ये सारा बहुत सराहनीय काम भी करते हैं। कोविड के टाइम पे भी इन्होंने बहुत ज्यादा मदद करी थी लोगों की। जी वैक्सीनेशन सेंटर खोले थे जगह जगह पर। मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ इंडिया में ही नहीं, 90 देशों में भी इनके जो सेंटर हैं वो फैले हुए हैं। और पूरे ही इंडिया के अंदर किसी भी तरीके की अगर कोई भी मदद होती है, जैसे कोविड टाइम में हमने देखा था खाना पहुंचाने से लेकर वैक्सीनेशन लगवाने तक, और तो वो सारी, और आइसोलेशन सेंटर्स बनाने तक, वो सब जो है ये राधा स्वामी सत्संग जो है ये करते हैं। जी 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 निश्चित तौर पर सामुदायिक सेवा की बात की जाए, दरअसल जो प्रार्थना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आध्यात्मिक उन्नयन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो राधा स्वामी सत्संग अभ्यास उससे जुड़ा हुआ। साथ ही साथ जो सामुदायिक सेवा है, जिस तरह से आपने चर्चा की, क्या जानकारी देंगी सामुदायिक सेवा में किस तरह से सक्रिय रहा है ये राधा स्वामी सत्संग अभ्यास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहां तक मेडिकल फैसिलिटी की बात है, तो मैंने अभी यहाँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ उसके 3 बड़े अस्पताल हैं जो जो 500 बेड ईच है, तो 1500 बेडेड अस्पताल हैं जो यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए और बाहर के लोगों के लिए भी जो है मदद प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका भी बहुत बड़ा ये लोग योगदान देते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि युवा जो है वो बहुत प्रभावित है राधा स्वामी सत्संग डेरा से। जी और नशे की जो प्रॉब्लम है उसमें भी नशा छुड़ाने के भी बहुत सारे केंद्र हैं यहाँ पे, और ये नशा छुड़ाने का भी जो है देते हैं यहाँ पर, और उनको उनको मोटिवेट करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज चलाते हैं कि किस तरीके से जो है लोग नशे से दूर रह सकते हैं। जी और इसके साथ साथ जो भी अगर कोई भी मदद होती है, किसी भी तरीके से कोई नेचुरल क्लेमिटी होती है, तो उसमें बढ़ चढ़ कर जो है
ये डेरा आता है। और यही नहीं, निखिल, पूरे इंडिया में इन इनके जितने भी सेंटर्स हैं वहां पे हर तरीके की व्यवस्था की जा सकती जाती है और इतना लाखों की तादाद में लोगों को जो है फैसिलिटीज मुहैया कराई जाती है। जी, प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में हम देखते हैं कि जो इस तरह की जगह होती है आध्यात्मिक उन्नयन से जुड़े हुए हैं या जो प्रार्थना सभा हुई है या जो धार्मिक स्थल है उन पे उनका विशेष लगाव और विशेष जुड़ाव रहता है। श्राद्धा स्वामी सत्संग के ब्यास के इस दौरे को प्रधानमंत्री को किस तरह से देखती हैं? जी बिल्कुल, बहुत सराहनीय काम करते हैं और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कोई भी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सामुदायिक और जो वेलफेयर करती है तो वो उसकी बहुत सराहना करते हैं और उनका खुद आना यहाँ पर एक बहुत बड़ा बात है कि वो आ रहे हैं और वो अभी फरवरी में भी आए और फिर दोबारा आ रहे हैं। तो सर्टेनली ये एक बहुत बड़ा मैसेज आता है कि वो इस जैसी संस्थाओं को और ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज को जो है के लिए मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और उनको वो सपोर्ट करते हैं। जी जी, आपने जो बात कही पॉजिटिव एनर्जीज, दरअसल सकारात्मकता प्रधानमंत्री लगातार युवाओं को अभी आह्वान करते रहे हैं, देशवासियों का भी आह्वान करते रहे हैं देश के विकास में जुटने के लिए तरह तरह से। जो सकारात्मकता की बात आपने की, पॉजिटिविटी की, किस तरह से ये संदेश युवाओं में जाएगा? जब बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की है, राधा स्वामी सत्संग ब्यास का दौरा किया है प्रधानमंत्री ने। जी, जो बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों हैं इनसे मिलने के बाद और सर्टेनली जो है ये बहुत एक पॉजिटिव मूव है कि प्राइम मिनिस्टर खुद जो है दो बार यहाँ पर आ चुके हैं डेरे में और ये बहुत पुराना डेरा है और यहाँ पे बहुत सारे पहले भी लोग आ चुके हैं और जब वो पिछली बार भी आए थे तब भी उन्होंने ये कहा था अपने ट्वीट में कि मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और मैं आई फील ऑनर टू मीट बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी। तो सोशल सर्विस में जो इनिशिएटिव लेता है राधा स्वामी सत्संग ब्यास जी वो एक बहुत कमेंडेबल है और बहुत सराहनीय है और ये एक अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आके उनको प्रोत्साहित करते हैं या उनके डेरे के पास आते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है ये और बहुत प्रोत्साहित करता है लोगों को और किसी रिकग्नाइज करते हैं तो रिकग्निशन मिल रही है। एक प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं यहाँ पर और डेरे के बाबा से मिल रहे हैं तो इसलिए इसका जो है सीधा सीधा जो है ये बात बिल्कुल है कि उनका आना ही एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का समर्पण, प्रधानमंत्री का जुड़ाव डेरे के साथ में ये दर्शाता है उनका, जिस तरह से आपने कहा कि फरवरी में उन्होंने दौरा किया था और अब फिर एक बार वो यहाँ पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर पंजाब के लोगों का, आसपास के जो स्टेट्स हैं उनका या कहा जाए देश के लोगों का किस तरह से जुड़ाव है ये डेरा राधा स्वामी सत्संग डेरा व्यास से? जी, राधा स्वामी सत्संग व्यास जो मैंने आपको बताया कि स्थापना तो इसकी 1891 में हो चुकी है, उसके बाद से इनका जो उद्देश्य है वो लोगों को धार्मिक संदेश देना है। राधा स्वामी का मतलब ही आत्मा की भगवान, सत्संग का मतलब होता है सच्चाई से परिचय करना और राधा स्वामी सत्संग ब्याज दुनिया में कई जगह पर है और इसके साथ साथ सभी संगठन अपनी प्रॉपर्टी जो बाहर प्रॉपर्टीज है उनको साइंस ऑफ द सोल स्टडी सेंटर के नाम से जानी जाती है और ये यहाँ पे मीटिंग होती है और ये अलग अलग जो चैलेंजेस होते हैं सोसाइटी के उसके ऊपर काम करती है। इसके अलावा भगवान के साथ जो है आत्मा और भगवान का जो रिलेशन है उसके ऊपर ज्यादा वो, और ये किसी भी रिलीजन और सेक्ट के कोई भी रिलीजन का कोई भी सेक्ट का आदमी जो है वो इसको ज्वाइन कर सकता है। वो इस ये जरूरी नहीं है कि सिख हो, आप किसी भी रिलीजन के हो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इनकी टीचिंग्स में आप ये कोई इनकी टीचिंग कुछ अलग नहीं है, सिर्फ आपको जो है ये कहते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप अच्छे कर्म कीजिए और उनको अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए, अपनी जो दिनचर्या है उसको बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए।
तो यही सारी चीजें हैं कि इसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे जी 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 लोग जो हैं इससे जुड़े हुए जी हैं। यहाँ पर अभी हम जब सुबह आए थे तो हमने देखा कि यहाँ के जो लोग फॉलोवर्स हैं वो ही सफाई कर रहे हैं, अलग अलग काम जी पे सब जुटे हुए हैं, एक जी दूसरे की जी मदद कर रहे हैं। एक बहुत कंड्यूसिव एटमोसफियर देखने जी को मिला, जी आकांक्षा, यहाँ पे इतनी साफ सफाई है, हर एक चीज जो है वो ऑर्गेनाइज है, और वो इसी वजह इतना सुशासन है यहाँ पर जी निश्चित कि तौर पर, निश्चित तौर सभी पर लोग जो है यहाँ पर आकर एक भावना से जुड़े हुए जी बिल्कुल हैं एक भावना से जुड़े हुए हैं। और जो और सत्संग का जो भाव है वो निश्चित तौर पर आत्मा के उन्नयन के लिए, आपस में मेलजोल के लिए, सभी के लिए बहुत बेहतर है। और जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि त्वात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग और तूल न ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग, तो सत्संग की महिमा निश्चित तौर पर विराट है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आकांक्षा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सियासत की, हिमाचल प्रदेश में चुनावों की बात करेंगे, जहां पर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए एडी चोटी